छत्तीसगढ़ की धर्म की नगरी के नाम से पूरे भारत में अलग पहचान है, क्योंकि यहाँ धर्म धरोहर भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और समर्पण है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम प्रभु के छत्तीसगढ़ में कई अद्भुत एवं चमत्कारिक जीवन मानस कांड में दर्शाए गए हैं, और इसलिए छत्तीसगढ़ वासियों एवं किसान भाइयों द्वारा फसल काटने के पश्चात लुवाई मिजाई हो जाने के बाद किसानों व ग्रामवासियों के द्वारा हर जिले एवं हर शहर में राम धुनी मानस मंच एवं रामायण का आयोजन किया जाता है। इसी तरह रामायण मानस मंच कार्यक्रम लगातार चल रहा है। वहीं धमतरी जिले के अंतर्गत आने वाले आदर्श ग्राम पंचायत रावा में त्रिदिवसीय भव्य संगीत में मानस सम्मेलन एवं अखंड पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे जिले एवं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से मानस मंच परिवार विशेष रूप से भाग लेकर राम के अलग अलग जीवन परिचय के रूप में श्री राम कथा के बारे में चर्चा हुई। वहीं सांसद आदर्श ग्राम रावा के सरपंच श्रीमती भारती ज्ञानिक साहू ने बताया कि गांव में 32 वर्षों से यह आयोजन हर साल किया जाता है। इसमें ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग मिलता है। उन्होंने मानस प्रेमियों से कहा कि रामचरित्र मानस की हर चौपाई अपने आप में महामंत्र है। जीवन में इसका रसपान करने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ ग्राम रावा में मानस सम्मेलन विगत 32 वर्षों से किया जा रहा है और संपूर्ण ग्रामवासियों का सहयोग रहता है। आयोजक समिति के माध्यम से पूरे ग्रामवासी के माध्यम से हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है और उन्हीं के सहयोग से ये कार्यक्रम समापन होने जा रहा है। श्रीमती भारती साहू ग्राम पंचायत के सरपंच जी, 32 वर्ष से हो रही है, जिसके मतलब भव्य मानस सम्मेलन एवं अखंड पाठ रखा गया है। हर साल इसलिए करवाते हैं कि गांव में सुख शांति बनी रहे और गांव के लोग अच्छे से रहे, सुख शांति बनी रहे। राम के जीवन चरित्र से लोग चरित्र हो जाते हैं।